नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखे गधे के सिर पर मोर पंख लगा देने से वह मोर नहीं बन जाता है, उसी प्रकार टोपीबाज को हेट पहनाने से वह जेम्स बॉन्ड नहीं हो जाएगा। लोग तो फिर भी उसे टोपीबाज या मदरसा पैदाइश की अल्पमत संतान ही पुकारेंगे। अब इमरान खान ने कल जिस तरह का ट्वीट किया उस पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। इस लोंडे ने ट्विटर पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए लिखा कि कोरोना वायरस के मामले में उनके मुल्क ने बेहतर लड़ाई लड़ी है जबकि भारत की हालत खराब है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में हमने सख्त लॉकडाउन लगाया था। पाकिस्तान उन शानदार देशों में शामिल है जहां अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों का ख्याल रखा जा रहा है और मौत का आंकड़ा कम है। इसका मतलब यह है कि यह मोरपंखी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के आंकड़ों को छुपाने के लिए संदेह के घेरे में है। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 260,000 से ऊपर हो चुकी है। सरकारी आंकड़े 5,500 टोपीबाजों को हुरों की खोज में जाना बता रहे हैं, पर वास्तविकता कितनी भयावह है उसे पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ दुनिया भी समझ रही है। पाक में एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने वाली ईदी फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 4 माह में वे 12,000 मुल्लाओं को कब्रिस्तान का रास्ता दिखा चुके हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा ऐसे मरीज थे जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुरों की तलाश में निकल भागे। यह केवल ईदी फाउंडेशन के आंकड़े हैं। द ट्रिब्यून के मुताबिक कराची के कब्रिस्तानों में ही हर महीने 4,000 से ज्यादा जनाजे पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बिना पोस्टमार्टम हुए आए हैं, जिन्हें दमे का मरीज बताकर मरा घोषित किया गया है। पाकिस्तान के 135 अस्पतालों की हालत यह है कि कोरोना का इलाज करने वाले संक्रमित डॉक्टरों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब जरा वे आंकड़े भी देख लीजिए जिसे गाकर इमरान लोडा मोर बना घूम रहा है। पाकिस्तान में अभी सिर्फ 25,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं, जिसमें औसतन 3,000 मरीज सामने आते हैं, जबकि इसके मुकाबले भारत में रोज 3,00,000 से अधिक टेस्ट किए जाते हैं जहां औसतन 12,000 मरीज सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जून के आखिरी हफ्ते से पहले तक पाकिस्तान में 5,000 से 7,000 टेस्टिंग रोज की जाती थी, लेकिन जब पाकिस्तान की मीडिया ने इमरान की लापरवाही पर सवाल उठाए तो तब जाकर टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई गई। अगर डॉन न्यूज की माने तो पाकिस्तान के मुकाबले योगी का उत्तर प्रदेश कई बेहतर स्थिति में है। ऐसे में यह लोंडा सिर पर मोर पंख लगाकर जो गधैया नृत्य कर रहा है उससे ट्विटर का तो फायदा हो सकता है, मगर तैमंदबाजों को हुर मिलन अभियान का हिस्सा बनने से नहीं रोक सकता। पर यह मामला यहां तक सीमित नहीं है। यह वो मुल्ला मुल्क है जो तशरीफ को 90 डिग्री उठाकर सूरज को टांगों से बीच से निहार कर दिखा देता है। डॉन की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने 1 जून से 25 जून के बीच इस्लामाबाद में COVID-19 के लिए सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे किया है। इस सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि अकेले इस्लामाबाद में ही 3,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यह 25 जून से पहले का सर्वे है। इस बीच कितने मदरसा छाप छलांग लगाकर इसमें शामिल हुए हैं इसका औसत इमरान लोंडा नहीं निकालना चाहेगा। हैरानी की बात यह है कि एक भिखारी और कंगला मुल्क अपनी तुलना भारत से करता है। जिस मुल्क में दाल से दवाइयां तक भारत से मंगाई जाती है उनका भारत से बराबरी करना बेशर्मी की हदें लांघने जैसा है। भारत में कोरोना वैक्सीन ट्रायल में है। 150 से ज्यादा देशों को भारत ने मेडिकल सामग्री भेजी है। यहां तक कि सार्क देशों के लिए कोविड इमरजेंसी फंड भी तैयार किया है। आज भारत मास्क और पीपी किट का दूसरा बड़ा निर्यातक देश बन चुका है, जबकि पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश पिछवाड़ा उठा गिराकर कोरोना की दवाई का इंतजार कर रही है। इस मुल्ला मुल्क को आतंकी बनाने में निपुणता हासिल है, बाकी खाज का मर्रम तक बनाने की इनमें काबिलियत नहीं है। इसी हफ्ते यूएन ने पाकिस्तान के एक इस्लामिक सरगना नूर वली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, जो पाकिस्तानी फौज का बेहद करीबी माना जाता है। इमरान की हालत उस काट की हांडी की तरह है जो बांस पर लटकी है और नीचे आग जल रही है। चारों तरफ से घेरे मुल्ला निकम्मा निकम्मा की कर्कश आवाज में गला फाड़ रहे हैं। इस मदरसा मुल्क को शायद इतना नुकसान करप्शन ने पहुंचाया होगा जितना कि निकम्मापन पहुंचा रहा है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। संवैधानिक संस्थाएं दुनिया भर में बदनाम हो रही है। चौं ओर से जग हसाई और रही सही कसर पीआई के जाली पायलट ने पूरी कर दी है। अब पाकिस्तान को दुनिया भर में पॉपुलर करने के लिए इमरान के योगदान को मदरसा पैदाइश कैसे भुला सकती है। इसी लोंडे ने ही दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के नेता चोर और करप्ट हैं। पूरी दुनिया में इमरान ने करप्शन का शोर मचाया और सभी टोपीबाजों पर करप्शन की मोहर लगा दी। हालत यह है कि पाकिस्तान के नेताओं पर आज कोई भी विश्वास नहीं करता है।
इमरान भी पाकिस्तान के इन्हीं बकलोल और करप्ट नेताओं की जमात का हिस्सा है। इमरान ने ही पाकिस्तान की आधी कौम को माफिया और बाकी को जाहिल करार दिया है। ऐसे में जाहिल और माफिया का सरदार बनने की काबिलियत इमरान लोडा ही रखता है। यानी चोर चोर का शोर है मगर रोकने वाला कोई नहीं। भौंकने के लिए इमरान खान जरूर सलवार कंधे पर डाले हुए घूम रहे हैं, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। फिलहाल जाली पायलटों की तरह इमरान की सलवार और उनका ट्वीट भी जाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।